हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दोस्तों जहां पर कॉल करने पर व्हाइट हाउस का बयान आया है, बताएंगे आखिर जो बाइडेन से मुलाकात और कॉल को लेकर क्या बात कही गई है। दोस्तों अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने वाले हैं, साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां उत्तराखंड में घुसपैठ के लिए चीन ने रची है बड़ी साजिश। 70 किलोमीटर दूर बनाया नया सैन्य अड्डा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ इसका, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर CRS रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में पल रहे हैं 12 आतंकी संगठन, जिनमें से 5 का टारगेट भारत है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर कैसे इस चीज का खुलासा हो पाया है। दोस्तों उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर भारतीय मीडिया की तारीफ कर निशाने पर आ गए जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, खफा हुआ अमेरिकी मीडिया, बताएंगे आखिर क्या कहा था जो बाइडेन ने भारत के मीडिया को लेकर, जिसके बाद दोस्तों गुस्से में है अमेरिकी मीडिया। साथ ही आपको बताएंगे चीन पर चौतरफा हमला हुआ है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने तिब्बत पर सुनाई जमकर खरी खोटी, जिसके बाद बौखला उठा ड्रैगन, बताएंगे आखिर क्या है बात। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिया है 35 नई फसलों की वैरायटी का तोहफा, आखिर क्या है दोस्तों इस योजना में और इस तोहफे में, सब की जानकारी आज आपको देने वाले हैं। इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में शौर्य, बल, ताकत, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है। दोस्तों साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के PM इमरान खान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दोस्तों जहां पर कॉल करने को लेकर व्हाइट हाउस का बयान आया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से हाल ही में अपना अमेरिका दौरा करके भारत लौटे हैं दोस्तों, इसी बीच पूरी दुनिया सहित पाकिस्तान ने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बाइडेन ने गर्वजोशी से स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद PM मोदी ने पहली बार जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, हालांकि ये पाकिस्तान को फूटी आंख भी नहीं भा रहा है दोस्तों। तो वहीं अब जो बाइडेन की ओर से अब तक इमरान खान को फोन ना करने पर खुद व्हाइट हाउस का रिएक्शन सामने आया है, जो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों दरअसल हाल ही में अमेरिकी मीडिया को दिए एक अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि बीजी राष्ट्रपति बाइडेन ने उनसे फोन पर बात करने की अब तक जहमत नहीं उठाई। हालांकि वॉशिंगटन को अफगानिस्तान को स्थिर करने में पाकिस्तान का समर्थन चाहिए था, तो वहीं अब इस पर पहली बार व्हाइट हाउस ने अपना बयान दिया। आपको बता दें क्या कहा व्हाइट हाउस ने, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने सोमवार को रूटीन ब्रीफिंग के दौरान क्या जो बाइडेन की ओर से इमरान खान को जल्द ही फोन किया जा सकता है, इस सवाल के जवाब देते हुए कहा है कि मेरे पास इस समय भविष्यवाणी करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वे एक कॉल करते हैं, हम निश्चित रूप से इसे आप सभी को पढ़कर सुनाएंगे। इसके साथ ही प्रेस सचिव ने बताया है कि अमेरिका पाकिस्तान दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर बातचीत हो रही है, लेकिन जो बाइडेन इमरान खान को फोन करेंगे या नहीं करेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो बाइडेन को अभी तक फोन कर देना चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं किया है, इसका साफ मतलब होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा मतभेद है दोस्तों, जिसको अमेरिका उजागर नहीं करना चाह रहा है, और इमरान खान से भी बात नहीं होने वाली, जिसके बाद दोस्तों इमरान खान को बहुत बड़ा झटका लगा है ये सुनने के बाद। पूरे पाकिस्तान में भी इमरान की किरकिरी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और हर कोई कह रहा है कि मोदी जी जैसे बनो। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय होगी ऐसे में, राय सुझाव कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता इस पर, क्यों इमरान खान को जो बाइडेन की तरफ से एक भी कॉल नहीं आया दोस्तों, मिलने की तो दूर की बात है। कमेंट में अपने राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां उत्तराखंड में घुसपैठ के लिए चीन ने रची थी बहुत बड़ी साजिश, 70 किलोमीटर दूर बनाया नया सैन्य अड्डा। जी हाँ दोस्तों, अब चाइना को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी ड्रैगन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्यवाही की है। चीनी सेना PLA के करीब 100 सैनिकों ने लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में करीब 5 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ को अंजाम दिया है। पिछले महीने हुई इस घटना में चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके में बने एक पुल और कुछ अन्य आधार
भूत ढांचे को नष्ट कर दिया। दरअसल चीनी सैनिकों ने इस घुसपैठ की लंबे समय से प्लानिंग कर रखी थी दोस्तों। यही नहीं, पीएलए ने घटनास्थल से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर अपना नया सैन्य ठिकाना बना लिया है। जी हां दोस्तों, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है कि चीनी सैन्य ठिकाना भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा से मात्र 70 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों आप भी देख पा रहे इस मैप से, पिक्चर में दोस्तों, चीन ने नेपाल भारत के ट्राई जंक्शन पर इस नए सैन्य ठिकाने को बनाया है। इसमें पीएलए सैनिकों के लिए नए बैरक भी शामिल है। चीन का ये नया सैन्य ठिकाना करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये सैन्य अड्डा तिब्बत के जांडा काउंटी में स्थित है। चीन ने वर्ष 2019 में इस इलाके में निर्माण कार्य शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में अब भारत के अंदर घुसपैठ को लेकर ये बड़ा खुलासा काफी टाइम बाद हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये घुसपैठ अगस्त के महीने में की गई थी और अब जाके इसका खुलासा हो पाया है दोस्तों। और ऐसे में एक तरफ जहां चाइना भारत के साथ रिश्तों की बात करता है दोस्तों, और दूसरी तरफ भारत में घुसपैठ करने के लिए चुपचाप प्लानिंग बनाता है, ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। लेकिन आपको बता दें, हमारी भारतीय सेना और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है और सभी लड़ने के साजो सामान हमारे बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। और अब चाइना भारत में एंट्री तो क्या बॉर्डर तक आने की नहीं सोच सकता है दोस्तों। आपकी क्या ऐसे में राय होगी? जय हिंद जय भारतीय सेना कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर सीआरएस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पाकिस्तान में पल रहे हैं 12 आतंकी संगठन, जिसमें से 5 का टारगेट है भारत। आपको बता दें, पाकिस्तान पर आतंकियों का शरण देने का आरोप तो लगता ही रहता है, लेकिन अब अमेरिकी संस्था कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज यानी सीआरएस की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी की गई है दोस्तों। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन सक्रिय है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय 5 आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत है, जिसमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन शामिल है दोस्तों। वहीं बाकी के 7 विदेशी आतंकी संगठन है। बता दें, सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान में आतंकियों के कई ऑपरेशनल बेस और मिलिटेंट ग्रुप की पहचान की है। इनमें से कुछ संगठन तो 1980 से पाकिस्तान में सक्रिय है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो भारतीय मीडिया की तारीफ कर निशाने पर आए जो बाइडन, खपा हुआ अमेरिकी मीडिया तो देनी पड़ गई सफाई। दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। आप सभी जानते हैं जो बाइडन ने इस दौरान भारतीय मीडिया की तारीफ की थी और अमेरिका के रिपोर्ट्स की आलोचना करते हुए कहा था कि वे कई बार विदेशी नेता के सामने मुद्दे से भटक जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिकन मीडिया की तुलना में भारतीय मीडिया का आचरण सबसे ज्यादा बेहतर है। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा खत्म हो चुका है और अब व्हाइट हाउस ने अमेरिकी मीडिया में सफाई पेश की है दोस्तों। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी को मंगलवार को इस मामले को लेकर अमेरिका के कई पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। हालांकि जेन ने भी राष्ट्रपति जो बाइडन के बयान का बचाव किया और कहा कि वे किसी भी पत्रकार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो बाइडन ने कहा था कि कभी कभी अमेरिकन मीडिया पॉइंट पर बात नहीं करता है। मैं जानती हूँ कि कोई भी इस तरह की बात नहीं सुनना चाहेगा। बता दे, व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक रिपोर्टर ने अमेरिकन मीडिया और भारतीय मीडिया के साथ हुई तुलना को लेकर भी सवाल उठाए। इस रिपोर्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स विद आउट बॉर्डर्स की लिस्ट के अनुसार भारत का मीडिया प्रेस फ्रीडम के मामले में 142वें नंबर पर है, जबकि अमेरिकन प्रेस फ्रीडम के मामले में रैंकिंग 44 है। वे आखिर अमेरिकन मीडिया की भारतीय मीडिया के साथ तुलना भी कैसे कर सकते हैं? और इसी प्रकार के दोस्तों बौखलाते हुए अमेरिकन मीडिया ने जो बाइडन को घेरते नजर आए हैं दोस्तों। ऐसे में जो बाइडन के इस भारतीय मीडिया की तारीफ को लेकर अगर आप भी सहमत हो दोस्तों और मानते हैं कि भारतीय मीडिया सबसे बेस्ट मीडिया है दोस्तों, तो राय सुझाव अपना जरूर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन पर चौतरफा हमला, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने तिब्बत पर सुनाई जमकर खरी खोटी, जिस पर बौखलाया ड्रैगन। दरअसल तिब्बत पर हमला करने के बाद उसे कब्जाने वाले चीन को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आवाज उठाई गई और चीन को साफ शब्दों में कहा गया है कि वो तिब्बत में मानवाधिकार का सम्मान करे, जिसके बाद चीन का बुरी तरह से बौखलाना तय है, क्योंकि चीन तिब्बत को एक स्वायत्त क्षेत्र मानता है और तिब्बत में काफी तेजी के साथ उसकी नागरिकता स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय तिब्बत प्रशासन ने मंगलवार को कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 48वें सत्र में विश्व निकाय के सदस्य देशों के एक ग्रुप ने कहा
कहा है कि चीन को तिब्बत में मानवाधिकार का सम्मान करना चाहिए। इस ग्रुप ने चीन से आह्वान किया है कि वो तिब्बत के लोगों को मानवाधिकार को इज्जत दे। तिब्बत को लेकर 26 सदस्य देशों ने एक साथ आवाज उठाई और चीन द्वारा तिब्बत के लोगों की प्रताड़ना को लेकर चीन की सख्त आलोचना की है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो कृपया करके हमारी इस मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान के नए पाकिस्तान में फिर हिंदुओं पर दिखा सितम। खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर के भीतर जिला प्रशासन ने खड़ी कर दी दीवार। दरअसल बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा को लेकर तमाम वादे करता रहता है दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि पड़ोसी मुल्क में आए दिन समुदाय को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले का है, जहां के ऐतिहासिक टाउन टेरी में एक हिंदू मंदिर के प्रांगण में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा कर लिया है। साथ ही मंदिर के प्रांगण के भीतर एक दीवार भी बनवा दी है। इसे लेकर यहां रहने वाले हिंदू समुदाय ने चिंता जाहिर की है। जी हां दोस्तों, जमीयत उलेमाए इस्लामी फैजी का एक स्थानीय मौलाना हाफिज फैजुल्ला मंदिर के पास में ही एक धार्मिक मदरसा चलाता है। फैजुल्ला और उसके स्थानीय समर्थकों ने मंदिर को लेकर अपनी आपत्तियां जताई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह एक्शन लिया है। दोस्तों ऐसे में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक मात्रा में होने को लेकर ठीक से अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे दोस्तों, और इन पर जुल्म पे जुल्म होता जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इमरान सरकार अपने हर जुबान पर फेल रही है दोस्तों, उन्होंने जो भी कहा है वो कभी पूरा नहीं हो पाया, तो अपना राय जरूर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर आतंकियों पर ठोस कार्रवाई करें और आतंकी ढांचे को नष्ट करें। जी हां दोस्तों, भारत ने UNHRC में पाकिस्तान को ये कहकर लताड़ा है। बता दें भारत समेत कई देशों में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को भारत ने UNHRC में जबरदस्त लताड़ लगाई है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने राज्य आधारित आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए विश्वसनीय और स्थिर कदम उठाए। इसके अलावा वो अपने यहाँ पनप रहे आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए ठोस कदम उठाए। भारत ने यहाँ ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 48वें सेशन में पाकिस्तान की तरफ से किए गए कमेंट पर अपना जवाब रखा है। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर लड़ाकू विमान ड्रोन मिसाइल झुआई एयर शो में दुनिया को ताकत दिखा रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में विस्तारवादी नीति के लिए कुख्यात चाइना इन दिनों अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। चीन में मंगलवार को झुआई एयर शो का आगाज हुआ। इसमें 40 देशों की लगभग 700 हथियार निर्माता कंपनियों ने हिस्सा लिया। दोस्तों इस शहर में इस एयर शो में चीन भी अपने स्वदेशी इंजन के साथ J-20 लड़ाकू विमान WZ हाई एल्टीट्यूड ड्रोन J-16D इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जेट F-60-31 लड़ाकू विमान के हथियार सहित बहुत सारे हथियारों का दोस्तों प्रदर्शन किया है और अन्य देशों को डराने की कोशिश की है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है दोस्तों। चपरासी के पद के लिए आए 15 लाख से भी ज्यादा आवेदन दोस्तों, और सब में बड़ी बात MPhil करने वाले लोगों ने भी 15 लाख में शामिल है दोस्तों। चपरासी के लिए इन्होंने भी आवेदन किया। आपको बता दें पाकिस्तान की इमरान हुकूमत लोगों को रोजगार देने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। इस समय वहाँ बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ हाई कोर्ट में चपरासी के एक पद के लिए, जी हाँ दोस्तों एक पद के लिए 15 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। आप समझ पा रहे होंगे कि एक पद के लिए 15 लाख यानी कितनी ज्यादा बुरी स्थिति होगी दोस्तों पाकिस्तान में, और रोजगार को लेकर कितना बदतर हाल होगा। इस पर आपका क्या कहना होगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और जितने भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं, हर लेटेस्ट खबर को तुरंत के तुरंत पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चीन ने LAC पर तैनात कर दिया है S-400 मिसाइल सिस्टम। क्या ऐसे ही विवाद सुलझाना चाहते हैं जिनपिंग? जी हां दोस्तों, चीन ने भारत से बातचीत की आड़ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर सैनिकों की तैनाती फिर से बढ़ा दी है। बॉर्डर एरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक नए शेल्टर्स का निर्माण भी किया। आपको हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, लेकिन अब जो एक खबर आ रही है जहां पर चीन ने लद्दाख के पास वाले इलाके में रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट को भी तैनात कर दिया है। दोस्तों कहीं ना कहीं चाइना ये काम जंग खाने के लिए तो दोस्तों नहीं कर सकता है।
है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में जल्द वो युद्ध करेगा भारत के साथ। अगर आप भी मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में और भारत के डिफेंस सिस्टम में वो क्षमता है दोस्तों, तो चाइना जैसे चार देशों को एक साथ लपेट सकता है। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने लाइक कर दिया है वो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर उरी में पकड़ा 19 साल का बाबर है लश्कर या आतंकी, सप्लाई करना चाहता था हथियार। जी हाँ दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी से ठीक एक दिन पहले भारतीय सेना ने उरी में पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है दोस्तों। सेना ने लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी को जिंदा पकड़ा है। इस आतंकी की उम्र सिर्फ 19 साल है। अली बाबर नाम का यह आतंकी पाकिस्तान के पंजाब के दीपलपुर में गांव बासे वाला का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक इसने 7वीं तक पढ़ाई की है। इसने अपने साथी के मारे जाने के बाद सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। सेना ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी गई। सेना ने बताया कि 18 से 19 सितंबर को ऑपरेशन शुरू हुआ था। उस वक्त पेट्रोलिंग के दौरान ही जवानों को बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठिए आते हुए दिखाई दिए, जिनमें से दोस्तों 6 को मार गिराया गया और इसको पकड़ लिया गया। और भारत के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। इसके लिए अपने इंडियन आर्मी को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर फ्रांस से राफेल ही नहीं बल्कि युद्ध पोत भी खरीद रहा है ग्रीस। भूमध्य सागर में तुर्की की बढ़ाएगा टेंशन। जी हां दोस्तों, भूमध्य सागर में बढ़ते तनाव के बीच ग्रीस ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के बाद 3 युद्ध पोतों को खरीदने का फैसला किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस डील की सराहना करते हुए 4th युद्ध पोत का भी ऑफर दे दिया है। मैक्रों ने कहा है कि इससे ग्रीस और फ्रांस के रिश्तों में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिकी सांसद का कहना है तालिबान चाइना को रोकने के लिए अमेरिका को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने होंगे। जी हां दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग, क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत होनी जरूरी है दोस्तों? चाइना को सबक सिखाने के लिए अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा, ओसामा का पनागा ही नहीं अलकायदा का बेस भी बन गया है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत जारी है। पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान सरकार पर यूएन द्वारा चिन्हित आतंकियों को पनाह देने के सबूत पेश किए थे, लेकिन अब एबटाबाद से ओसामा के पकड़े जाने का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान के तार सीधे आतंकियों से जुड़े होने की अब बात कही जा रही है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ओसामा बिन लादेन के संगठन अलकायदा ने लंबे समय तक पाकिस्तान को बेस बनाकर दूसरे देशों में अपने आतंकी हमलों को अंजाम दिया। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो जापान में खत्म होगा कोरोना का आपातकाल। पीएम योशीहिदे सुगा ने किया ऐलान, 6 महीने बाद पहली बार होगा आजाद जापान। जी हां दोस्तों, लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई है जापानी लोगों में। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर अफगान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के अंदर कई गुना आतंकी हमले बढ़ गए हैं। जी हां दोस्तों, ये हम नहीं दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार ये खुलासा हुआ है दोस्तों। जब से उन्होंने कहा है कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा जमाया है, तब से पाकिस्तान में आतंकवादी हमले कई गुना बढ़ गए हैं। रिपोर्ट से ये पता लगा है कि संयुक्त राज्य की सेना के युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से हटने और तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान में घातक आतंकवादी हमले 4 साल से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर यानी पीक पर पहुंच गए हैं दोस्तों। और ऐसे में अब पाकिस्तान पर उल्टा कुल्हाड़ी पड़ने वाला है, यानी कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने पाला है दोस्तों, और वही आतंकवाद अब पाकिस्तान को नोच नोच कर खा जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, क्या इस बात का समर्थन करते हैं? तो ये बात कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां सिद्धू के समर्थन में इस्तीफों का दौर हो गया शुरू। कैबिनेट मंत्री समेत कई समर्थकों ने किया रिजाइन। जी हां दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पद से इस्तीफे के बाद राज्य की पॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के बाद उनकी करीबी नेता रजिया सुल्ताना ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और ये माना जा रहा है कि सिद्धू के समर्थन में पंजाब के कई और नेता भी रिजाइन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पंजाब में सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। कैबिनेट मंत्री बनी रजिया सुल्ताना के साथ ही योगेंद्र ढींगरा ने भी प्रदेश कांग्रेस महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके अलावा सिद्धू समर्थक माने जाने वाले कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी इस्तीफा दे दिया है, और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही कई नेता और
अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में दो फाड़ हो गई है कांग्रेस, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं इस इस्तीफों को लेकर भारत की जनता क्या कहती है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो इसी खबर से जुड़ी खबर है दोस्तों, जहां सिद्धू के इस्तीफे पर अमरिंदर सिंह ने किया ट्वीट, कहा मैंने पहले ही कहा था कि वो टिकने वाला आदमी नहीं है। जी हां दोस्तों, पंजाब में इस घमासान के बाद सिद्धू के इस्तीफे के बाद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए अमरिंदर सिंह ने करारा निशाना साधा है सिद्धू पर। कहा कैप्टन ने कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यानी कांग्रेस से पहले ही कहा था कि वो टिकने वाला शख्स नहीं है और ना ही पंजाब के सीमावर्ती राज्य के लिए सही है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग अमरिंदर सिंह के इस बात पर, क्या आप इनके बात का समर्थन करते हैं, बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पंजाब में नई उथल पुथल के बीच ये बड़ी खबर, जहां 75 साल की उम्र वाले नेताओं को रिटायर करने वाली भाजपा को मिलेगा 80 साल का क्या कैप्टन। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कांग्रेस से अपना नाता रिश्ता तोड़ भाजपा में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। भाजपा के सूत्रों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, दरअसल भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी कैप्टन को सही तरीके से इस्तेमाल करने की रणनीति पर विचार कर रही है। उन्हें पार्टी में शामिल कराकर एक चेहरे के रूप में पेश करना उचित रहेगा या कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक नए राजनीतिक दल का गठन हो और भाजपा उसका बाहर से सपोर्ट करे, इस संभावना पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमरिंदर सिंह भाजपा ज्वाइन करेंगे दोस्तों? आपकी जो भी राय होगी इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है 35 नई फसलों की वैरायटी का तोहफा, नई किस्म से चमकेगी किसानों की किस्मत। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने देश को 35 नई बीजों की किस्मों को समर्पित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार छोटे किसानों के हित में काम कर रही है, हमारी कोशिश किसानों को सीधे फायदा पहुंचाने की। उन्होंने कहा बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों तक फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिन 35 नई फसलों की वैरायटी पेश की गई उनमें से कुट्टू, किनोवा, गेहूं, धान, अरहर, सोयाबीन, सरसों, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, वाकला आदि शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर थी, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों बताइएगा जरूर। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो फटाफट से इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए अपने भाई बंधुओं में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद।